क्यों बनाए गए थे प्लेटफार्म टिकट। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्लेटफार्म टिकट के बारे में, क्यों बनाए गए थे, कहां से शुरू हुआ, इतिहास क्या है, सब कुछ समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, भारतीय रेलवे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं कि जब आप यात्रा करें तभी टिकट आपको लेना पड़े, बिना यात्रा के भी आप टिकट लेते हैं, जिसे प्लेटफार्म टिकट कहा जाता है। ठीक है, प्लेटफार्म टिकट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका इतिहास क्या है, आइए समझते हैं। ओके, 1893 में शुरू हुई प्लेटफार्म टिकट। प्लेटफार्म टिकट साल 1893 में जर्मनी में शुरू हुई थी। ठीक है, तो प्लेटफार्म टिकट जर्मनी में 1893 में शुरू हुई। इसके बाद से ये दुनिया भर के रेलवे द्वारा अपनाया गया, वहीं कुछ समय बाद ये भारतीय रेलवे ने भी अपनाया। ठीक है, तो 1893 में जर्मनी में शुरू हुई, इसके बाद पूरी दुनिया के रेलवे ने इसे अपनाया, कुछ समय बाद भारतीय रेलवे ने भी प्लेटफार्म टिकट को अपनाया। रेलवे ने क्यों अपनाया, आइए समझते हैं। भारतीय रेलवे में पहले ट्रेन के डिब्बे आंतरिक रूप से नहीं जुड़े थे, यानी ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में नहीं जाया जा सकता था। ओके, तो भारतीय रेलवे में पहले ट्रेन के डिब्बे आंतरिक रूप से नहीं जुड़े थे, यानी कि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में नहीं जाया जा सकता था। ऐसे में ट्रेन टिकट एग्जामिनर यात्रियों की टिकट चेक करने के लिए एक डिब्बे से उतरकर दूसरे डिब्बे में जाते थे। ठीक है, चलती ट्रेन में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे नहीं जा सकते थे, तो इसके लिए इंतज़ार करना होता था रेलवे स्टेशनों का। ठीक है, रुकने ट्रेन रुकेगी तब एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे जाकर टिकट चेक करेंगे। इस वजह से कई बार टीटी सभी यात्रियों को टिकट चेक नहीं कर पाते थे, जिसके बाद रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ही यात्रियों की टिकट जांचने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह सभी यात्रियों की टिकट चेक नहीं हो पाती थी, तो रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ही टिकट चेक करने की योजना बनाई। अन्य लोगों को हुई परेशानी। टिकट जांच ना होने वाली समस्या को देखते हुए रेलवे ने प्लेटफार्म पर ही टिकट जांचने की योजना बनाई। ऐसे में रेलवे ने प्लेटफार्म पर ही टिकट चेक करना शुरू किया। हालांकि इस स्थिति में उन लोगों को परेशानी होती थी जो किसी यात्री को लेने या फिर छोड़ने के लिए पहुंचते थे। ठीक है, तो अब प्लेटफार्म पर ही टिकट चेक होने लगी और प्लेटफार्म टिकट थी नहीं, तो लोगों को उनको ज़्यादा परेशानी होती थी जो यात्रियों को लेने या छोड़ने जाते थे। टिकट ना होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। अपनाया गया प्लेटफार्म टिकट। भारतीय रेलवे ने टिकट प्लेटफार्म की शुरुआत पुणे जंक्शन से की थी। ठीक है, पुणे से की थी। भारतीय रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट की शुरुआत पुणे जंक्शन से की थी। ब्रिटिश काल के समय इसका दाम बहुत कम था, जो कि बाद में बढ़कर कई सालों तक 5 रुपये रहा। ठीक है, तो शुरुआत में ब्रिटिश काल में काफ़ी कम कीमत थी प्लेटफार्म टिकट की, बाद में इसका बढ़ाया गया। हालांकि 2015 में दामों में बढ़ोतरी कर 10 रुपये कर दिया गया था। ठीक है, कितने समय तक होता है वैध प्लेटफार्म टिकट, कब तक मान्य होगी, कितने समय तक? प्लेटफार्म टिकट केवल प्लेटफार्म से ही मिलता है, वहीं यह टिकट सिर्फ 2 घंटे तक वैध होता है। इसके होने से रेलवे में बेवजह आने वाली भीड़ को रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ रेलवे स्टेशनों पर बिना किसी मतलब के लोग वाईफाई के लिए पहुंच जाते हैं। ओके, ऐसे में उन्हें रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए रेलवे को 10 रुपये का भुगतान करना होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लेटफार्म टिकट के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।